बिल्कुल जन स्वराज जब 2025 में 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला, 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत बुद्धि शक्ति व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जन स्वराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहां पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2% 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है, जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सके, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव गांव से करते आए हैं, कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है, उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली, आपने खुद देखा होगा महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया है। नहीं, मैंने आप मेरा वक्तव्य सुन लीजिए, मैं पिछले 2 साल से जो कह रहा हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि अब सब सुनने के बाद बताओ कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश जी का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए, या कि जनता का राज चाहिए। लोग कहते हैं जनता का राज चाहिए, फिर मैं दोबारा पूछता हूँ, भाई जिसको लालू जी का चाहिए लालू बता दीजिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बता दीजिए। फिर सब लोग कहता है ना भैया हम लोग को जनते का राज चाहिए, तो जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता बताते हैं कि जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को ठगा है, आपके पेट पर लात मारा है, उन नेताओं को, चाहे वो आपके जाति का है, आपके धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है? मैंने ये नहीं कहा कि वोट प्रशांत किशोर को देना है कि जन स्वराज को देना है, मैंने उनको रास्ता बताया कि वोट अगली बार नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और यही जन स्वराज का अभियान है, 2 वर्ष यही कर रहे हैं, आज यही दोबारा किया। यूनिफाइड पेंशन योजना कल केंद्र सरकार ने जारी करी है, उसको उसका डिटेल आने दीजिए। वो एनपीएस और ओपीएस के बीच का कुछ रास्ता निकालने का सरकार ने प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्षरत हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको ये स्वीकार्य होगा, लेकिन सरकार ने कल जारी किया। और ये योजना सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों को ये अवसर दिया गया है। राज्यों को इस पर अभी निर्णय लेना है, तो राज्यों के पास ये स्वतंत्रता है कि वो ओपीएस भी रख सकते हैं, एनपीएस में भी जा सकते हैं, और जो यूनिफाइड पेंशन योजना आई है उसको भी लेना है, उसको भी अपना सकते हैं। तो बिहार सरकार को ये बताना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो एनपीएस में आ गए हैं, ये ओल्ड पेंशन स्कीम में तो बिहार है नहीं, नीतीश कुमार तो पहले ही सरेंडर करके एनपीएस कर लिए हैं, कर्मचारियों का पूरा हक मार दिए हैं, तो अभी यूनिफाइड वाले पर इनका क्या स्टांस होता है सरकार को बोलने दीजिए, फिर उस पर टिप्पणी करेंगे। तो राहुल तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मानसिक जो है बीमारी हो गई है, इलाज की जरूरत है, जनगणना मामला। किसको किसने क्या कहा? अब भाई ऐसा है कि जिसने वक्तव्य दिया है वो भी हमसे बहुत बड़े नेता हैं, जिन पर वक्तव्य दिया है वो भी हमसे बहुत बड़े नेता हैं। हम अपनी बात कह सकते हैं, बिहार की बात कह सकते हैं, बिहार में के समाज, बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं, जन स्वराज की बात कर रहे हैं। रिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को आरक्षण देंगे क्या प्रशांत जी? रिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? मतलब जो रिजर्व कैटेगरी, मेरे भाई 40 महिलाओं को मिलेगा, फिर उसमें आप जबरदस्ती मत घुसने लगे झगड़ा का। महिलाओं को महिला रहने दीजिए, महिलाओं को माता बहन रहने दीजिए, महिलाओं को शक्ति रहने दीजिए, महिलाओं को
को अवसर मिले उसके बीच में झगड़ा लगाने वाला काम मत कीजिए। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात कही है, कहीं कहे कि 90% लोग सिस्टम में नहीं है, हम लोग कास्ट सेंसस कराएंगे। देखिए कास्ट ठीक है, कास्ट सेंसस को लेकर हम पिछले 2 साल से वक्तव्य दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि एससी एसटी समाज के लोग सबसे गरीब पिछड़े शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा तो उसको बताना चाहिए कि एससी एसटी समाज के लोग इस दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई जनगणना होने से नई जानकारी मिली सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा, वहां बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था, 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अकल आया है, अब उनको समझ में आई ये बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसको सुधारने का राहुल गांधी क्या मंत्र दे रहे हैं वो ना बताएं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू को चलिए, अरे ऐसा ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, ये लोग हाँ क्राइम राइम पर बोले तो उस पर नहीं, ठीक है क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें ये हास्यास्पद लगता है। इनके घर इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहां तक बात है तो इतना ही कहूंगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कतलखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाए महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। चलिए।